थी और मैं टेबल पे देखी कि मेरी मम्मी बना रही है कुछ मूढ़ी का चॉप। ये क्या होता है भाई? तो अभी मैं नींद से उठी हूँ। आज अभी बज रहा है शाम की 6:45। तो अभी मैं जाने अभी थोड़ी मेरे मुंह में पानी छिड़क के मैं जाने वाली हूँ ऊपर, ताकि शाम की जो पूजा है वो मैं करूँगी। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा फ्रेश भी हो लूँ। मैं मुँह धोने जा रही हूँ। मैं जब मुँह धोने जा रही थी और मैं टेबल पे देखी कि मेरी मम्मी बना रही है कुछ मूढ़ी का चॉप। ये क्या होता है भाई? आपको पता है क्या? मैं खा कर देखूंगी तो आपको मैं दिखाती कि उसकी हुलिया कैसे है। जो मैंने बोली थी आपको मूढ़ी का चॉप, पता नहीं इसमें मूढ़ी मैं क्या बोलूँ, वो फ्लैटेंड राइस इंग्लिश में बोलते हैं मगर हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि भेल पूरी जिससे बनता है वही है ये। तो ये जो है इसका चॉप बनाएगा, मतलब पकोड़ा टाइप का बनाएगा। तो शायद इसका रेसिपी भी होगा कुछ, अगर होता है मैं आपको बताने वाली हूँ, मगर मुझे पता ही नहीं खाने में कैसा होगा। मूढ़ी का चॉप मैं बाद में दिखाऊंगी कैसा होता है खाने में, आपके साथ ही मैं खाने वाली हूँ। और फिर मैं मूढ़ी का चॉप मैं पहली बार खाने वाली हूँ, तो कैसा होता है खाने में वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर अच्छा हुआ, मम्मी बना रही तो अच्छा ही होगा शायद, तो अगर अच्छा हुआ तो आप लोग भी आपके घर में बनाइएगा। मैं उसका रेसिपी अगर मुझे पता चले मैं आपको बता दूंगी। और तो यही, तो मैं जाती हूँ जल्दी से फ्रेश ट्रेश होकर, शाम की पूजा करके मैं लौट कर आ मैं नहीं आ रही हूँ, है कि नहीं? तो इसलिए मैं दिया के सामने हूँ। तो मैं जब नहीं आ रही हूँ, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं इधर टहलती हूँ थोड़ा सा, फिर आपसे मैं मिलती हूँ, मगर आपको मैं ये दिखा देती हूँ। दिया की वजह से लाइट हो रही थी मेरे मुंह पे, जो कि अभी नहीं हो रहा है, कि मैं सोच रही कि ऊपर कुछ ही नहीं दिख रहा है, ना आसमान, पूरा अंधेरा। और जमीन दिख रहे हैं जो मेरे पैरों के निशान है, और कुछ ही नहीं दिख रहा है पूरा। आज बहुत बारिश हुआ था, मैं आकर सामने से करूं तब भी अब मेरे मुंह को नहीं देख सकते। तो यही आसमान देखिए, मैं सोची थी मैं टहलते टहलते आपके साथ बात करूंगी, मगर वो हो नहीं सकता। चलिए मैं नीचे जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आपको मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और मैंने सोची थी कि माँ का जो मम्मा ना जो मूढ़ी का काटलेट बना रहे हैं, पता नहीं वो कैसे होगा खाने पे, तो वो थोड़ी देर होगी शायद, मुझे लगी थी। तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, इसलिए मैं सोची थी कि मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शुरू कर दिया बनाने की। मैं करूँगी ज़रूर, मगर थोड़ी लेट होगा शायद करने में। देखिए कल मैं अपर लिप्स की थी और आज ये बम्स आ गया, तो ऐसा होता ही है। चलिए मैं आपके साथ बैठ कर बात करती हूँ। तो देखते हैं कि मूढ़ी का चॉप कैसे होते हैं खाने पे, मैं भी सोच रही हूँ अभी, और आपके साथ तब तक बात भी कर लेती हूँ। तो मैं सोची थी कि मैं अभी, मैं जैसे आपको बोली कि मैं सोची थी कि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मगर एक्सरसाइज अभी नहीं कर पाऊँगी। तो आप बोलिए, आप लोग सब अच्छे हैं ना? तो अभी तक आप लोग सेफ रहिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए क्योंकि इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे। आई नो द फैटलिटी रेट इज This has very low fatality rate, but then also you must have take care of yourself and you should take care of yourself. तो ये एक बात हो गई। और जैसे कि अभी एक कुछ और ब्लॉग के बाद आप देखने वाले हैं बहुत सीरीज ऑफ ब्लॉग,
कहीं पर हम लोग जाने वाले हैं, उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छा अच्छा ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिले, जब तक ये जाए ये वीडियो, तो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइबर और बनना चाहिए, ताकि बहुत फैमिली हो जाए जो अच्छा अच्छा जो सीरीज है ब्लॉग की वो देख पाए, ठीक है। और मैं तो काम कर रही हूँ अपनी ब्लॉग पे, अपनी वीडियो पे, और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा। तो जैसे कि आज अभी तो हम देखिए शाम का नाश्ता, कभी इतना ऐसा नहीं है कि हर रोज़ कुछ पकौड़ा बने, ऐसा नहीं है, तो लाइट ही होता है। मगर आज मम्मी ने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर ये मूढ़ी का चॉप जो है वो अच्छा हुआ तो मैं उसका कुछ रेसिपी ज़रूर होगा, तब मैं वो आपको अगर चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक में दे दूँगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं देने वाली हूँ। तो मैं खाकर भी आपको बताने वाली हूँ वो कैसा है, वो मैं आपके साथ ही शेयर करने वाली हूँ वो। तो देखते हैं कैसे होता है। और ऐसे ही घर पे तो बैठे हैं, कुछ और नहीं कर सकते अभी, जैसे कि अभी तो कुछ प्लान भी नहीं है बाहर जाने का, जब होगा तब तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में आपको दिखाने वाली हूँ, तो अभी तो कुछ वैसा प्लान नहीं है। तो जैसे अभी तो वैसा कुछ और प्लान नहीं है, तो जैसे मैंने बोली कि कुछ ब्लॉग और उसके बाद आपको कुछ अच्छा देखने को, ये भी अच्छा है, ये तो डेली का रूटीन है जो मैं डेली करती हूँ, ये भी अच्छा है, मगर कुछ और आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी कब मैं अपना टिफ़िन करूँ, ये मैं शाम का टिफिन करूँ, और बहुत कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ते मैं कैसे शेयर करूँ आपके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो यही तो जस्ट वेटिंग 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 कब आए। और सुबह से मेरा क्लास था आज, अभी इस हफ्ते से मेरा क्लास भी बढ़ चुका है, 3 टाइम हो गया है क्लास, मतलब 3 टाइम हो गया है, मतलब 3, पहले 2-2 क्लास होता था हर दिन, अभी 3-3 क्लास हो रहा है, तो बहुत ही हेक्टिक जा रहा है ये। कचअप हो चुका है, मैं वो लाने जा रही हूँ अभी, उसके पहले मैं थोड़ी पानी पी लेती हूँ। चलिए मैं लाती हूँ, मेरे साथ आइए। ये है मूढ़ी का चॉप, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, चलिए खाकर बताते हैं आपको। मैं खाती हूँ मूढ़ी का चॉप जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, अब मैं खाने का बारी है। बहुत अच्छी बनी है, मम्मी को भी बता देती हूँ। माँ भालो है जे, छुट्टी भालो है जे, ना भालो है जे। हाँ सब ठीक है जे, मैंने मम्मी को बता दिया कि ये कैसे बनी है, अभी मैं आराम से इसको खा ली तो फिर आपको मिलती हूँ, आपसे मैं मिलती हूँ, ठीक है। बहुत टेस्टी था जैसे मैंने आपको बताया है, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, जब मेरी मम्मी इसको कभी पकाएगा तो मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगी और मेंशन भी कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं मम्मी को बता रही थी अगर इसमें चीज़ डलती ना तो और ज़्यादा डिलीशियस हो जाता, मगर मेरी मम्मी वो भी करने वाली है, मगर अभी घर में चीज़ नहीं है, इसलिए जो भी बना था वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही हेवी भी था। अभी
अभी बज रहे 6:36। अभी मैंने ये खाकर कंप्लीट किया, तो अब सोच ही सकते हैं अगर मैं अभी हेवी खा ली तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रात का डिनर में कैसे करूँ, क्योंकि ये इतना मतलब फील कर देते हैं ना अपने स्टोमक को, और इतना फील मतलब इतना भारी होते हैं ना खाने पे, बाप रे बाप। मगर आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग खाइए, मैं तो 4 ले ली थी, मतलब इतना मुझे देखकर वो आई वॉज लर्निंग अबाउट इट, सो इसलिए मैंने 4 ले ली थी। और अगर आप 2 ले लीजिए, उसके बाद आप डिनर भी कीजिए फुर्सत से, ठीक है। तो मूढ़ी का कटलेट हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने ये शेयर किया क्योंकि आज मैंने सोची थी कि ऐसे ही मेरा व्लॉग हो जाएगा, कुछ आपके साथ मैं बात करूँगी, मगर ये तो मूढ़ी का कटलेट ने मतलब एक हीरो बन गया मेरा व्लॉग का। तो मतलब मैं सोची थी कि आप लोग के साथ जस्ट मैं आऊँगी, अपनी जो इवनिंग में कैसे बिता रही हूँ मैं वो बोलूँगी। हाँ, इसके बाद मैं खाने वाली हूँ पीने वाली हूँ चाय, तो वो भी मैं पीने वाली हूँ, मगर कब पता नहीं, जब तक ये डाइजेस्ट होता है कुछ मिनट, और लेट ऑल अदर ईट, लेट माय मदर एंड माय ब्रदर ईट दैट, माय फादर इज़ नॉट एट होम, सो उन दोनों को खाने देते, उसके बाद हम पीने वाले हैं चाय। इस अभी तक की ये जो टेस्ट है ये रहने देते हैं अपने मुंह पे, नो आई एम कॉन्स्टेंटली जस्ट दैट मूढ़ी का चॉप इज होवरिंग ना, खाने के बाद भी होते हैं, जो खाना बहुत डिलीशियस बनता है वो तो होता ही, आपके साथ भी होता होगा कुछ ना कुछ। तो मैं सोची थी कि एक तरीके से मैं शुरू करूं कि आज का मैं शाम को इतने बजे उठती हूँ, मैं हर रोज़ ही उठती ऐसा नहीं है, मगर उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मूढ़ी का चॉप बनता है, कि मैं सोची कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि आप लोग के साथ ही मैं खाऊं, आपको दिखाऊं कि वो कैसा है, एकदम जेन्युइन रिव्यू है, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी ने बनाया है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि या इट्स वाओ डिलीशियस एंड ऑल, बट नो नथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगा था कि मैं खाऊंगी आपके साथ और मैं बोलूंगी कितना टेस्टी है वो, और आपको दिखा चुकी हूँ आपको कैसे बना था, मतलब दिखने में तो सहूलियत में तो बहुत ही अच्छा था, खाने में भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं देख रही हूँ कि अगर किचन खाली हो तो मैं अपनी चाय ले आती हूँ, फिर आपके साथ मैं बात करूँगी। मैं अब जा रही हूँ किचन पे, क्योंकि किचन खाली हो चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, किसी और दिन मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अभी सब खा रहे, कौन शूट करेगा, मैं कौन सी चाय पीती हूँ और कैसे बनाती हूँ वो मैं किसी और दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सब खा रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बना के वापस आती हूँ। मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ, मेरा चाय जो है वो है ग्रीन टी, और मैं इसको स्टियर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जैसे ग्रीन टी मैं पीती हूँ, मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँ ये, क्योंकि जो इसका रेसिपी नहीं बोल सकते, जो जो इसमें डलता है, जो जो इसमें जाता है, बहुत अच्छे होते हैं और टेस्ट भी बन जाता है, जिसको ग्रीन टी बहुत बीटर लगता है उसको नहीं लगेगा फॉर श्योर। अच्छा, मैं सोच रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी जब तक मेरे मन में ये चलता रहेगा ना, तो मैं सोचती ही रहूँगी, तो मैं आपको बता ही देती हूँ, तब तक ये इसको मैं थोड़ी ठंडे होने दूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मेरे चैनल को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों मैं न्यू हूँ, तो जो नया आते हैं जिस भी फील्ड में उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने लोग भी ये व्यू कर रहे हैं, मे बी 17, मे बी 20, मे बी 21, इन सम वीडियो आई गेट 21 व्यूज, इन सम 17, इन सम 7, वट एवर इट मे बी, मुझे ये कोई, आप लोग क्यों नहीं करते हो, आप लोग क्यों
नहीं करते हो सब्सक्राइब, मुझे नहीं पता भी आप लोग की, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे आप लोग देखते तो हो, देख तो रही हो, क्योंकि व्यू जो है वो तो मुझे दिखाई देते हैं कि वो इतना इतना व्यू है, तो जो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी तो कर दो ना प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अब मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि आप जैसे फ्रेंड की थ्रू ही तो मैं आगे बढ़ूंगी, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपका फ्रेंड मैं बनूंगी, आप मेरे फैमिली के पार्ट होंगे, तभी तो मैं आगे जाऊंगी, तो धीरे धीरे करके मैं आगे जाऊंगी। मेरा माइलस्टोन इट्स नॉट कि आई वांट इन 1 वीक और इन 2 वीक और इन 3 वीक और मे बी इन 5 मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल हैव 1000 सब्सक्राइबर, नो, बट whoever is watching this video, जो भी कर रहे हो आप लोग सब्सक्राइब तो कर दो ना। अभी मुझे भी बहुत रोना आ रहा है इस बात पे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, जितना भी आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पुश कर दो, और मेरा गारंटी है आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे सब्सक्राइब की बात, क्योंकि यू आर माई फैमिली, आई ऑलरेडी स्टार्ट थिंकिंग दैट यू पीपल आर माई फैमिली, और क्या चाहिए आपको, पता नहीं क्या। चलिए ये थी मेरी दुखियारी की बात, मैं बहुत सैड हूँ इस बात पे कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आज हम लोग की इधर बहुत बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, मगर बारिश के बाद भी गर्मी 1% भी कम नहीं हुआ है, बारिश जब तक हुआ तब तक गर्मी कम था, बारिश नहीं है अभी, अभी गर्मी भर भर के पसीना आ रहा है। तो बारिश जब तक था पसीना नहीं था, बारिश गया पसीना शुरू हो गया, तो बारिश भी पसीना ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग की उधर कैसे है, जो जो जहाँ पर भी आप लोग हैं, वेर एवर यू आर, टेल मी हाउ, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ओवर देयर, आई वांट टू नो। एक्चुअली ओवर इन कोलकाता व्हेन इट रेन इट इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द टेम्परेचर, इट्स इन यू नो, ठंडी तो नहीं होते और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, फिर भी ठीक ही है, फिर भी सर्वाइव कर पा रहे। वेस्ट बंगाल के और बहुत सारी जगह है जहाँ पर, मैं आपको बता रही, मेरे मामा का घर जहाँ पर है, जो मेरी फर्स्ट ब्लॉक में जहाँ गई थी लॉकडाउन की दौरान, तो मामा का घर वो जहाँ पर है, बाबा रे बाबा, वहाँ पर तो मतलब आपको पसीना भी नहीं आएगा और फिर तो पसीना भी नहीं आएगा और मुंह जलने लगेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है, पसीना आता है, गर्मी बहुत है, गर्मी इतना है कि मुंह जलना शुरू कर देता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गर्मी बहुत है, मगर वही बारिश होता है ठंडे के लिए, बारिश होते हैं गर्मी बढ़ा देते हैं, यही एक है। आप लोग सब्सक्राइब करो ना प्लीज़ कर दो। तो आप लोग कैसी चाय पीते हो शाम को, दूध चाय या फिर ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी? मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मगर मैं दूध चाय मट्टे का, जो मट्टे का ग्लास होता है, जो कुल्लड़ जिसको कहते हैं, उसका जो चाय होता है ना, बहुत अच्छा होता है वो, तो मैं वो पीना बहुत पसंद करती थी, करती हूँ अभी भी, मगर अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, अगर मैं अभी बाहर भी चली जाऊँ तभी भी मैं बाहर का चाय एटलीस्ट नहीं पीने वाली हूँ। तो जब रेगुलर क्लास होता था, कॉलेज आती थी, तब वह मतलब कुल्लड़ की चाय पीती थी, इधर एक फेमस जगह है, तो उधर से बहुत सारी फेमस स्पॉट है, तो मैं अगर आप लोग को बताऊँगी भी आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मगर I will say that whoever stay in Kolkata, they must try the tea of the backside of Nandan Gate. वहाँ पर जो पकौड़ा वाला है पीछे, जो एक platform बना है उधर, एक पकौड़ा वाला है उसके पास वाले वो चाय है, वो भी बहुत ही अच्छा है, मैं वहाँ से पीती हूँ। वहाँ पर आपको सब type का चाय मिल जाएगा, जैसे कि without sugar, with sugar, मतलब दूध वाली चाय कुल्लड़ में। तो whoever is from Kolkata should try this tea, must try this tea, awesome, जिसको चाय पीना पसंद है। और मैं
मुझे कॉफी पीना भी पसंद है, मगर मैं कॉफी में क्या फेवर करती हूँ, वो जो कैफे कॉफी डे में कोल्ड कॉफी विद आइस टूपिंग आते हैं वही मैं पीना पसंद करती हूँ। मैं ऐसे नॉर्मल कॉफी से मैं चाय ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, एंड आई एम अ टी लवर। बट अभी करीबन 6 महीना हो गया मैं दूध का चाय नहीं पी रही हूँ, मैं ऐसे ही ग्रीन टी पी रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए जरूर, तब तक तो मैं ये चाय भी पीती हूँ। ठीक है, बहुत गर्म है ना चाय, इसलिए तो मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स दे दिया। तो जो लोग कोलकाता में है मस्ट गो टू नंदन बैक साइड गेट, एंड जो प्लेटफॉर्म वहाँ पर है उधर जो जो प्रोग्राम होते हैं उस प्लेटफॉर्म में बहुत जन गाना भी गाते हैं। सो उधर जो वो पकौड़ा वकौड़ा यहाँ पर तलते हैं उसके बगल पे ही है चाय का स्टॉल, वो लोग पैटीज भी सेल करते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जैक्ट दुकान का नाम तो नहीं याद आ रहा है, मगर वही वो उसमें आपको ब्लैक टी और मिल्क वाले टी विद शुगर विदाउट शुगर लेस शुगर मिनिमम शुगर सब तरीके का चाय मिल जाएगा आपको, तो आप लोग उधर जाइए ज़रूर। क्योंकि पर्सनली मुझे वहाँ का चाय बहुत पसंद है, और मेरे कॉलेज के सामने भी जो चाय बनाते हैं जो भैया वो भी बहुत अच्छे ही होते हैं, वो भी मैं कुल्लार का चाय पीती हूँ। तो तब तो उतना क्या ध्यान पे कहा मुझे ग्रीन टी मिलेगा, वैसे भी मैं ग्रीन टी से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ दूध मिल्क चाय, बट हेल्थ के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो मैं मुझे यही चाय ज़्यादा पसंद है। मतलब हेल्थ के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो दिस टी हैज़ मोर बेनिफिट देन ऑब्वियसली मिल्क टी, सो आई प्रेफर दिस इफ आई सी अकॉर्डिंग टू हेल्थ। ओके, सो दैट्स वाई। और कौन कौन उधर जाकर पी चुके हैं वहाँ का चाय वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे जानकर खुशी होगी कि आप लोग भी वहाँ का चाय पी चुके हैं। मैं लाइट ऑन करके आ गई थी, एनर्जी कंजम्पशन करना चाहिए सबको, मैं भूल गई थी एनर्जी कंजम्पशन करना चाहिए। और मैं सोच रही इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं जितना भी मुझे आता है उसके ऊपर, क्योंकि मुझे एनर्जी और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, तो मैं करूँगी ज़रूर एक दिन। अगर इसी ब्लॉग में मैं आपको बताते रहूँ तो ये ब्लॉग कहाँ एंड होगा मुझे खुद भी नहीं पता। तो आपके साथ बातें करते करते मेरा चाय भी ख़त्म हो चुका है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, एंड हेल्प बी माय फैमिली, एंड इफ यू आर माय फैमिली हेल्प योर फैमिली टू ग्रो ओवर YouTube, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि आप लोग व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आज का वीडियो शायद से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ बांटी हूँ, तो जैसे मैंने बताया मेरा व्लॉग इतना ही था आज के लिए। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, डोंट हर्म एनीवन, डोंट हर्ट एनीवन इंटेंशनली, एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम COVID-19, एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ योर होम, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू किंग गिरीश व्लॉग बाय किंग गिरीश चक्रवर्ती। ये तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक देना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। टाटा।